अब आपको अपडेट करें, साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। आपको बता रहे हैं कि भरपूर तैयारी जारी है साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी की। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा भी लिया गया। नवाज शरीफ ने भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां शुरू है। तफसीलात जान लेते हैं महविश सुहेल से। जी महविश। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए पार्टी के मरकजी तहसील में सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया है। मरीम नवाज ने इस हवाले से आज इजलास बुला रखा और चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर मरीम नवाज शरीफ ने किसी भी वॉर डिवीजन जिला और तहसील की सतह पर तैयारी और तंजीमी इश्तराक अमल के बारे में इजलास से आगाज किया और सेंट्रल फैसिलिटेशन कंट्रोल सेंटर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से मरकजी किरदार अदा करेगा। ये ब्रीफिंग भी मरीम नवाज से 21 अक्टूबर को अवाम नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करके पनामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। ये कहना था मरीम नवाज का और इसके अलावा हमजा शहबाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने जख्म खाकर ही पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम रखा है और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को ऐसी मुल्क बनाया, आज इसी बेकारी मुल्क बना दिया गया है जो कि 22 शहर की बात है। ये कहना था हमजा शहबाज का। उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाकर अवाम अपने बच्चों के मुस्तकबिल जो है वो महफूज बनाएंगी। जी बहुत शुक्रिया महवीर सुहेल तफसीलात से आगाह करने के लिए।